जिसके लिए बेसिकली हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से हालात किस तरीके के हैं और हमारे एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये सारे आप जानते हैं। तो इस सिलसिले में हम एज कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एक स्टेप आगे आना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्कॉलरशिप, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट की इस टाइम पे ज़रूरत है उन बच्चों के लिए जो बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं लेकिन बदकिस्मती से या तो उनके घर में गुजारा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इस 2-2.5 साल में इकोनॉमिक भी कितनी इकोनॉमी जो है वो भी कितनी वीक हुई है। तो उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन घर में गुजारा नहीं है उनके लिए, या वो बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उन सबके लिए एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसमें टोटल 525 सीट्स होंगी जो बिल्कुल उनको फ्री दी जाएगी। सिर्फ थोड़ा सा मैं ये बताऊं आपको, इसमें थोड़ा सा नोट करूं, क्योंकि कल को अदरवाइज बोलते हैं कि आपने अनाउंस किया था कि बिल्कुल फ्री है लेकिन आज थोड़ा सा आप लोग जो है इसमें चार्ज कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं उन बच्चों को ये बताऊं कि ये बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहूँगा, वो ये है कि इसमें सिर्फ उनका जो स्टडी मटेरियल के चार्जेस होते हैं जो कि 2000 या 3000 से ज़्यादा नहीं होगा, वो चार्जेस लिया जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं कि अगर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स देखें कश्मीर में या जम्मू में या लेह कारगिल में, तो आप देखते हैं कि चार्जेस एटलीस्ट 40,000 से लेके 70 या 80,000 जाता है। तो इन बच्चों को वो नहीं चार्ज करना है, सिर्फ स्कॉलरशिप टेस्ट देके उनको 2000 से 3000 मैक्सिमम खर्चा आएगा जो कि स्टडी मटेरियल का खर्चा होगा। तो आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे नीट के लिए या जेई के लिए 2022 प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो जब वो कोचिंग के लिए जो उनको आना होगा उसके लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें हमने 150 सीट्स रखी हुई है जो कि बिल्कुल फ्री होंगी। अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ क्लास की तो उनके लिए 150 सीट्स बिल्कुल फ्री है। 11th क्लास की बात करूं तो उनके लिए 175 सीट्स बिल्कुल फ्री है। 9th क्लास के लिए 25 और 10th क्लास के लिए 25। इसके अलावा जो भी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वाजिया करना चाहूँगा वो इकोनॉमिकली वीक तो है लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, उनको भी थ्रू स्कॉलरशिप 15% रिजर्वेशन रखी गई हुई है। अब ये इन हालात में बहुत ही इंपॉर्टेंट कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस को लगा, काई को लगा, काई की तरफ से एक कश्मीर का शहरी होने के नाते से या जम्मू कश्मीर यूटी का शहरी होने के नाते से मेरी आप सब मीडिया पर्सनल से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसे बच्चे ढूंढने में हमारी मदद करें ताकि अच्छे बच्चे को जो जेन्युइनली पढ़ता होगा उस बच्चे तक ये स्कॉलरशिप जो है ये प्रोवाइड की जा सके। अब इसके अलावा बात रही, अगर फिर से खुदा ना खास्ता लॉकडाउन हुआ या ऐसा कुछ हालत आ गई कि ऑफलाइन क्लासेस हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहूँगा स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक, कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है काई यानी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। सो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस सिलसिले में, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें सारे बच्चे और सारे पेरेंट्स। उसके बाद मैं प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्रेसिडेंट प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जनाब वार साहब के ज़रिए तमाम स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनको कहीं पे भी हमारी यानी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस की ज़रूरत महसूस हुई ताकि हमारे बच्चे अच्छा कर सकें, चाहे वो जम्मू का स्कूल हो, चाहे वो कश्मीर का स्कूल हो, चाहे वो लेह लद्दाख या करगिल का स्कूल हो, जहाँ पे भी इनको हमारी ऑनलाइन असिस्टेंस की ज़रूरत है फॉर क्लास 11th, फॉर क्लास 12th, फॉर क्लास 9th, फॉर क्लास 10th, हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब से भी है कि जनरली हमारी एक नोशन होती है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं,
इवन दो वहाँ पे नंबर वन टीचर्स होते हैं, पीएससी क्वालिफाइड या एसएसबी क्वालिफाइड होते हैं, फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाते वहाँ के बच्चे। वजह ये है कि इनके पास शायद अभी सारे स्कूल्स में उतना अच्छा ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कि अगर हमारी असिस्टेंस, ऑनलाइन असिस्टेंस उनको भी ज़रूरत हो तो हम तैयार हैं, हम उनके भी शाना बशाना खड़ा है और हम 9th, 10th, 11th, 12th बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार है। नॉट ओनली ऑनलाइन, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी आ सकता है हमारे पास, हम उसको ऑफलाइन भी हेल्प कर सकते हैं वाया यानी विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल, और किसी भी डाउट क्लियर करने की ज़रूरत हो तो हम तैयार हैं। हम कश्मीर के बच्चों को, जम्मू के बच्चों को, करगिल लेह लद्दाख के बच्चों को, इन शॉर्ट जम्मू कश्मीर या आई मीन से लेह जो लद्दाख यूटी है, इनके बच्चों को आगे लेके जाने के लिए हम तैयार हैं। बस सिर्फ आप सबका साथ चाहिए। इस टाइम पे सारे गिले शिकवे जो है उनको छोड़ दीजिए, एकजुट हो जाइए, हमारे साथ जुट जाइए ताकि हमारे बच्चे किसी भी शोबे में, खासतौर पर एजुकेशन के शोबे में पीछे ना रहे, ताकि हम कंपीट कर सके नेशनल लेवल एग्जाम्स में अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको एक और यहां पे अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, वो ये कि मर्जर काई का ना हुआ है और ना होगा फिलहाल, बल्कि कभी नहीं होगा। बल्कि सिर्फ इस टाइम पे मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ये कि हमारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से एक और ब्रांच स्टार्ट करने वाला है राजबाग में, और इंशाल्लाह वो जल्द। INS, extremely fearless journalism.